अफगान नाजिम उलमूर की दफ्तर खारजा तलबी बनो खुदकुश हमले में अफगान शहरी के मुलव्वस होने पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके, हाफिज गुल बहादुर को पाकिस्तान के हवाले किया जाए। इस पर दीगर तफसीलात हासिल कर लेते हैं। सीनियर एंकर पर्सन फॉर आज न्यूज़ शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत पराचा, यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जानिब से ये अहम इकदाम है जो उठाया गया है। इससे पहले और भी बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जहाँ पर अफगानियों को इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान के अगेंस्ट इस तरह के हमलों में। जी बिल्कुल, दो दिन पहले बन्नू में 26 नवंबर को एक सुइसाइड अटैक हुआ जिसमें अफगान शहरी उस धमाके में मुलव्वस था, लेकिन उसका ताल्लुक हाफिज गुल बहादुर टेरर ग्रुप के साथ था। तो आज दफ्तर खारजा में अफगान नाज़िम उल उमूर सरदार शुकैब को तलब किया गया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का एक बहुत ही सख्त एहतजाज उनके हवाले किया गया। उन्हें बताया गया कि अफगानिस्तान की सरजमीन मसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इन दहशतगर्द हमलों में इस्तेमाल हो रही है, और बन्नू के वाकया के हवाले से भी कन्वे किया गया कि इस खुदकुश हमले में बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस और जो सिविलियन हैं वो उनको नुकसान हुआ, वो उसमें से कुछ शहीद भी हुए। अफगान नाज़िम उल उमूर से ये बाकायदा तौर पर मुतालबा किया गया कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। साथ साथ उन्हें बताया गया कि अफगानिस्तान हाफिज गुल बहादुर को भी पाकिस्तान के हवाले करे, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दों की पनाहगाहें हैं अफगान हुकूमत उनको भी बंद करे। ठीक है, हमें अपडेट कर रहे थे शौकत पराचा, बहुत शुक्रिया आपका।